Hello, my dear aspirants, how are you all? I hope you are doing good. So this is Sabia Rukhsar here, currently working as an RRB PO. I welcome you all to my YouTube channel and a very good morning to all of you. So in this video, we are going to discuss what should be the need of the hour. What should we do now? For both of the aspirants, जिन्होंने 1st अगस्त को अपना प्री का एग्जाम दे चुके हैं एंड जिनका 7th अगस्त को प्री का एग्जाम है, ठीक है, तो दोनों को एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली टॉकिंग अबाउट द 1st अगस्त एस्पायरेंट्स, आपका एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है, मतलब आपके सेटिस्फैक्ट्री लेवल का नहीं गया है, तो आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक वीडियो करके बताया हुआ है कि आपके अगर इतने अटेम्प्ट्स हैं तो आपको मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, ठीक है. तो आप जो 1st अगस्त के एस्पायरेंट्स हैं, समझ लीजिए कि उनका एग्ज़ाम सेटिस्फैक्ट्री लेवल का गया है, आपको बिल्कुल जो है मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है. और मेंस के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना कर रखी हुई हैं. अभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सबके वीडियोज़ जो मैंने डिटेल्ड वीडियोज़ बनाए हैं उसके लिंक्स इस वीडियो में दे दूंगी. इसलिए मैं कह रही हूँ ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है. तो उस सब के लिंक यहाँ पर दे दूंगी और किस तरीके से मैंने फोर मेंस इन फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने चार मेंस कैसे क्लियर किए थे, ये मैं आपको एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है. उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी. तो एक डिटेल्ड वीडियो मेंस पे हम लेकर आने वाले हैं, बट हम वेट कर रहे हैं कि 7th अगस्त के एस्पायरेंट्स का एग्ज़ाम हो जाए ताकि वो भी साथ साथ में इसे फॉलो कर पाए. तो जस्ट विद इन 2 to 3 days ये डिटेल्ड वीडियो जो है वो आ जाएगी. लेकिन तब तक मैं जो इन लिंक्स की बात कर रही हूँ, आप इन सारे वीडियोज़ को देखिए और इन्हें फॉलो करना स्टार्ट करिए, ठीक है. और कोई भी 1st अगस्त के एस्पायरेंट्स जो है वो कट ऑफ वगैरह किसी चीज़ पे आप ध्यान मत दीजिए. हम जो 100-100 वीडियोज़ देखते रहते हैं यूट्यूब पे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या लोगों के क्या अटेम्प्ट थे, अब हो गया, बहुत आपने देख लिया, अब इसे छोड़ दीजिए. अब हमारा मेन फोकस जो होना चाहिए वो मेंस पे होना चाहिए. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अभी कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, आप अब लग जाएंगे बिल्कुल मेंस की प्रिपरेशन में और ये जो IBPS आने वाला है ना उसे भूल जाएंगे. और वो कभी भी आ सकता है, तो आपको इसके जो प्री लेवल के मॉक्स होते हैं ना उसे छोड़ने नहीं है. भले आप रेगुलरली मत दीजिए, अल्टरनेटिवली दीजिए, लेकिन प्री लेवल की तैयारी आपको छोड़नी नहीं है बिकॉज कभी भी एग्जाम्स आ सकते हैं. और मेंस में तो हमारा नॉलेज मैटर करता है, लेकिन प्री में अगर हमारी स्पीड टूट गई, हमारा फ्लो टूट गया, हमने मॉक्स देने बंद कर दिए, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए ये प्री के मॉक्स आपको कंटिन्यूसली देने ही देने हैं, ठीक है. तो ये थी बातें उनके लिए जिनका 1st अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है. हमें मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, इसे एकदम अच्छे से हमें पढ़ना है. और मैं आपको लिंक दे दूंगी जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे क्या सोर्सेस थे, मैंने कैसे पढ़ा था, ठीक है. तो ये हो गया सब कुछ 1st अगस्त के एस्पायरेंट्स के लिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, RRB में कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना ही पड़ेगा. तो कंप्यूटर की वीडियो भी मैं लिंक में दूंगी. आपने अगर उतना पढ़ लिया ना, आपका श्योर शॉट जो है सेक्शनल निकल जाएगा, ठीक है. दैट मींस अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे. उसके बाद देखिए हम बात करते हैं उन एस्पायरेंट्स की जो 7th अगस्त के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सबसे फर्स्ट बात यह है कि आप एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं अगेन दे रही हूँ. मैंने टेलीग्राम पे आपको दिया हुआ है, बट क्या पता आपने नहीं देखा होगा. अगर तो फ्री मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपको दे रही हूँ. ये लाइव मॉक टेस्ट है ना, आज तक के लिए है, सिर्फ लाइव मॉक टेस्ट है. और लाइव मॉक टेस्ट के क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके रैंकिंग जो है ना वो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिल जाती है. लाइव मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं, जनरली मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में लाइव मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग देते हैं. तो वहाँ पे आपको रैंकिंग, परसेंटाइल वगैरह सब अच्छे समझ में आ जाएगा ज़्यादा लोगों के बीच में. तो इसका लिंक दिया हुआ है, इसे आप अटेम्प्ट करिए. ये इसलिए मैं देने बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ये 1st अगस्त के जो एस्पायरेंट्स थे, 1st अगस्त का जो एग्ज़ाम था उस पर बेस्ड है, उसी पे बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड पेपर है, ठीक है. तो
उसका क्या लेवल आया था और इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं ये आपको चेक करना है। तो इसका लिंक होगा, ये आपको जाकर देना है। अगर मैं बता रही हूँ ये बात, सीरियसली आपको फॉलो करनी है। 7 अगस्त के एस्पायरेंट्स को सबसे पहले ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है वो ये है कि फ्यू डेज बिफोर मैंने एक वीडियो दी थी कि आपको अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं आरआरबी पीओ के प्री में, वो मैंने दी थी जो 1 अगस्त के एस्पायरेंट्स थे। तो उनके लिए मैं कुछ अलग तो नहीं बता दूंगी या आपके लिए कुछ अलग तो नहीं बताऊंगी, तो अभी जाकर आप वो वीडियो देखिए, शायद 4th नंबर पे या 5th नंबर पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कुछ ही दिन जो बचे हुए हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको करनी ही करनी है। ये वीडियो जाकर देखिए, मैं दोबारा क्योंकि नहीं बनाऊंगी उस तरीके से, ठीक है। तो ये वीडियो जाकर देख लीजिए कि लास्ट डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और मैंने आपको सब कुछ बताया है कि हमारा मेंटल स्टेटस अभी क्या रहना चाहिए, मॉक्स कितने हमें देने चाहिए। तो आपके भी 7 अगस्त आने में आपके भी अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो आप जाकर ये वीडियो देख लीजिए, और ये मैंने जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट बोला है ये आप लगा लीजिए, ताकि आपको पेपर कैसा आया था उसका अंदाज़ा हो जाए, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल माई डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी एंड आप अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे, ठीक है। तो जो 1 अगस्त के एस्पायरेंट्स हैं, बिल्कुल किसी भी कट ऑफ या मार्क्स ये सब चीज़ों के बारे में आप सोचना बंद करिए, मेंस के प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ओके। सो दैट वाज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।